केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। मोहनपुरी के भाजपा पार्षद उत्तम सैनी ने आज क्षेत्रीय नागरिकों संग सिविल लाइन थाने पहुंचकर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा पार्षद ने खुलकर आरोप लगाए कि बिना पैसा लिए सिविल लाइन थाना कोई काम नहीं कर रहा है। पुरानी मोहनपुरी में मारपीट के एक मामले में हमलावरों की बजाय पीड़ित को पैसे लेकर परेशान किया जा रहा है। काफी नारेबाजी के बीच सिविल लाइन इंस्पेक्टर ने मारपीट संबंधी मामले की जांच चौकी इंचार्ज से हटाकर दूसरे दरोगा को दे दी है। चौकी इंचार्ज पर भाजपा पार्षद ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए सिविल लाइन थाने पर हंगामा करते भाजपा कार्यकर्ता। मामला संजय नगर का मामला है। क्या मामला है? उसके दांत तोड़ दिए चार आगे के। अच्छा, 326 बनती है वो, चढ़ी हुई है 326। अच्छा, उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक। तो गिरफ्तारी क्यों कहते हैं? गिरफ्तारी के लिए जो वो क्या करने, त्योहार आ गया, तुम पकड़ लो उसे, हमें बता देना। कौन कहता है इस चीज को? चौकी इंचार्ज जी कहते हैं, नए आए चौकी। पुलिस प्रशासन हाय हाय, हाय 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 हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, हाय हाय हाय, पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस प्रशासन हाय हाय, हाय हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, हाय हाय हाय। इस मौके पर भाजपा पार्षद उत्तम सैनी ने यह जानकारी फर्स्ट बाइट टीवी को दी। सिविल लाइन थाने के अंदर आपको जब भी कोई काम के लिए आना है, कोई अपनी कार्रवाई कराने, तो सबसे पहला आपको आकर थाने के अंदर पैसे देने पड़ेंगे। सिविल लाइन थाना एक नंबर का भ्रष्ट हो चुका है। बिना पैसे के सिविल लाइन थाने के अंदर कोई कार्रवाई नहीं है। अगर पैसे देंगे तो काम होगा, नहीं देंगे तो नहीं होगा। परसों भी एक झगड़ा हुआ मोहनपुरी के अंदर, और ऐसे लड़कों ने मारपिटाई करी वहाँ पर, उनके साथ पैसे छीने गए, लूटपाट करी, उन्हें मारा गया। थाने के अंदर तहरीर दे गई तो चौक इंचार्ज द्वारा हमने फोन करा, भाई इसमें कार्रवाई हो। चौक इंचार्ज का कहना कि मैं इसमें कोई कार्रवाई नहीं करूंगा, ना मैं इसके अंदर मुकदमा लिखूंगा, दर्ज करूंगा जवाब। उसके बाद उन्होंने जो वहां पे फोन करने के बाद एक लड़के को उठा के लेकर आए और उसे यहां से लाकर थाने से छोड़ दिया, और रिपोर्ट लिखने को साफ उन्होंने मना कर दिया बिल्कुल एकदम। आप पैसे दे दो उन्हें, अभी आप तुरंत पैसे दो, तुरंत कार्रवाई इधर हो जाएगी। इससे पहले भी एक मामला हुआ, उसमें भी इन्होंने पैसे लेके फैसला ये लोग कर रहे थे हमारे उसमें मौजूदगी में आने के बाद। इन्होंने पैसे, हमने कहा भाई पैसे किस बात के देने, जब दोनों पक्षों का फैसला हो चुका है। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने फिर फैसला होने का हमने कॉपी दी, जबरदस्ती प्रशासन ने क्लच के मारे, उसमें मुकदमा दर्ज करके जेल भेजने का काम करा। अगर हम पैसे नहीं दे रहे थे उन लोगों को, तो मुकदमा भी दर्ज नहीं होता उन लोगों का। बिल्कुल एक नंबर का भ्रष्ट थाना, सिविल लाइन थाना है मेरठ के अंदर आज की डेट में। आप किस उससे हैं? मैं उत्तम सैनी पार्षद हूँ वार्ड 44 मोहनपुरी से। पैसे कौन मांग रहा है? चौकी इंचार्ज मांगता है मोहनपुरी का। क्या नाम है? किस बात? वीरेंद्र सिंह नाम है। कुछ भी काम के लिए आ जाओ आप अपनी कारें लेके आओ। किस बात के पैसे मांगे आपसे भाई? तो हमने उन लोगों को मुकदमा दर्ज करने के लिए उनसे कहा, तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया, हम पैसे नहीं लेंगे, दूसरी पार्टी को पैसे लेके उन्होंने छोड़ दिया थाने से ही। इनका ये रवैया है बिल्कुल। बिल्कुल किसी भी चले जाओ आप, हर दरोगा मतलब स्पष्ट हमारे मुंह पे भी कह देते हैं, पार्षद जी हमें कुछ कराओ तो इसमें बताओ, ये इनके रवैया बिल्कुल हमारे मुंह पे कहते हैं लोग। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv।